हेलो फॉलोवर्स, मैं हूँ कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए वड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। आप सभी को तो पता होगा कि मुंबई का जो वड़ा पाव है कितना फेमस है, और जैसा मुंबई में वड़ा पाव बनता है वैसा वड़ा पाव आपको कहीं भी टेस्ट में नहीं मिलेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि जो वड़ा का वो लोग मसाला तैयार करते हैं उसके अंदर वो कौन से इंग्रेडिएंट डालते हैं कि उनके वड़े का टेस्ट जो है बहुत ही लाजवाब आता है, और वैसा टेस्ट और कहीं क्यों नहीं आता है। और ये वड़ा जो मैं बनाऊंगी सिर्फ 2 बूंद तेल के अंदर ही बनाने वाली हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे पकौड़े की रेसिपी डाली हुई है 2-3 टाइप्स की, उस रेसिपी को भी आप ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये बटाटा वड़ा की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अब बटाटा वड़ा बनाने के लिए हम चलेंगे किचन की ओर। तो सबसे पहले बटाटा वड़ा बनाने के लिए हम उसका मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने गैस पे पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। हमारा पैन गर्म हो चुका है, इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच के करीब ऑयल ऐड करूंगी और ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मैंने ये छोटी वाली राई ली हुई है जिसे हम सरसों कहते हैं, मस्टर्ड सीड, इसे मैं ऐड कर दूंगी। और मैंने ये थोड़ा सा हींग लिया हुआ है, हींग को भी हम ऐड कर देंगे। 8 से 10 इसमें मैं ये फ्रेश कड़ी पत्ता ऐड करूंगी। इन सबको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। इस समय गैस का फ्लेम हम स्लो रखेंगे। वड़े के अंदर कड़ी पत्ते का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। मैंने ये 6 से 7 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा था उससे मैंने कुटनी में कूट लिया है। इसी के वजह से हमारे जो बटाटे वड़े का मसाले का टेस्ट है ना बहुत ही लाजवाब आता है। अब इसे मैं ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा ये पेस्ट मैं बचा के रखूंगी। इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम पका लेंगे। गैस का फ्लेम स्लो करके ही हमें इसे पकाना है, इसे हमें पूरा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो टेस्ट बिल्कुल भी हमारे मसाले का अच्छा नहीं आएगा। अब ये हो चुका है, इसके अंदर हम अब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। अब हमारा हल्दी भी पक चुका है। मैंने ये 4 उबले हुए आलू लिए हैं, उसे मैंने पहले से मैश कर लिया है। आलू को मैंने 2 सीटी में उबाला हुआ है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पर मिक्स करने के पहले इसके अंदर हम नमक ऐड कर देते हैं। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे हम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे कि सारे मसाले हमारे जो आलू के हैं वो अच्छे से भून जाए। दो मिनट तक मैंने मसालों को मीडियम फ्लेम पे भूना हुआ है। अब हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम एकदम फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हरा धनिया भी अच्छे से सारे मसालों में मिक्स हो चुका है। अब हमारा बटाटा वड़ा का मसाला जो है रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और ये आलू के मसाले को हम ठंडा होने देते हैं, तब तक हम इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। अब वड़ा का बैटर रेडी करने के लिए मैंने एक बाउल लिया हुआ है। बाउल के अंदर मैं ये 1 कप के करीब बेसन ऐड करूंगी और इसके अंदर मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करूंगी, थोड़ा सा हींग और मैंने ये थोड़ा सा अजवाइन लिया हुआ है। अजवाइन को मैं थोड़ा सा क्रश करके ऐड करूंगी। वड़ा बने या पकोड़े बने उसके अंदर अजवाइन ऐड करें जरूर, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूंगी। हमने ये जो पेस्ट बचा के रखा हुआ था अदरक लहसुन और हरी मिर्च का, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब सारी सामग्री को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
सारी सामग्रियां अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के हमें एक गाढ़ा सा बैटर रेडी करना है, और बैटर के अंदर एक भी लम्स ना रहे इस बात का आप ध्यान दें। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के हम एकदम गाढ़ा सा बैटर रेडी करेंगे। अब हमारा वड़ा बनाने का जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसे मैंने कितना गाढ़ा रखा हुआ है। इसी तरीके का बटाटा वड़ा बनाने के लिए हमें बैटर चाहिए और इसके अंदर एक भी लम्स नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैंने आलू के मसाले को एक प्लेट में निकाल दिया था। हमारा जो मसाला है पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। जब मसाला पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तभी आप बटाटा वड़ा बनाने के लिए उसके बॉल्स रेडी करें। अब हम इसका बॉल्स बना लेंगे। जितना बड़ा आपको वड़ा बनाना है उतना बड़ा आप इसके बॉल्स रेडी करें। मैं इतना बड़ा ही वड़ा बना रही हूं और इसी तरीके से सारे वड़ा के बॉल्स हम बना के रेडी कर लेंगे। बटाटा वड़ा बनाने के लिए मैंने ये आलू के बॉल्स जो है रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और इस बात का आप ध्यान दें कि जब भी आप बटाटा वड़ा बना रहे हैं तो उसका मसाला जो है इसी तरीके से चटपटा बनाएंगे, तभी आपका जो बटाटा वड़ा है बहुत ही टेस्टी बनेगा। और आज जो हम बटाटा वड़ा बना रहे हैं उसे हम डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं, उसे सिर्फ हम 2 बूंद तेल में बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। फ्रेंड्स, आज हम जो बटाटा वड़ा बनाएंगे वो अपपम पैन के अंदर बनाएंगे बहुत ही कम तेल में। तो हमने अपपम पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा अपपम पैन गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं इस तरीके से ऑयल डालूंगी। ऑयल को मैंने अपपम पैन के हर खाने में डाल दिया हुआ है। अब ब्रश से इसे मैं इस तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप स्पून से भी इसे इस तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं। और हमने जो बैटर रेडी किया था बैटर को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा एक बार अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमने जो ये आलू के मसाले का बॉल्स रेडी किया था वो बैटर के अंदर इस तरीके से हम डिप करेंगे, और डिप कर करके एक एक अपर पैन के खाने में हम इसे डाल देंगे इस तरीके से। अब सारे बटाटा वड़ों को हमने सीखने के लिए डाल दिया हुआ है और इसे अब हम कवर करके रख देंगे। और गैस का फ्लेम स्लो करके ही इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके, ढक्कन को हम हटा लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये ड्राई हो चुका है। अब इसे हम पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये सिका हुआ है। मैं आपको कैमरा जूम करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से बाकी के सारे बड़े हम पलट लेंगे। आप चाहे तो पलटने के पहले भी इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर सकते हैं, पर मैं इसके ऊपर ऑयल स्प्रेड नहीं कर रही हूँ। इसी तरीके से इसे मैं सिर्फ पलट ले रही हूँ। आप देख सकते हैं ना कितना अच्छा वड़ा बना हुआ है हमारा। सारे वड़ों को हमने पलट लिया है। फिर से इसे कवर करके हम स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रख देंगे कि ये नीचे से भी अच्छे से सिक जाए। 10 मिनट हो चुके, ढक्कन को हम हटा लेंगे। अब हमारा वड़ा जो है नीचे से भी अच्छे से सिक चुका है, आप देख सकते हैं। मैं आपको कैमरा जूम करके दिखाती हूँ। हमारा वड़ा जो है रेडी हो चुका है। इसे आप पाव के अंदर ग्रीन चटनी और लहसुन की चटनी लगा के सर्व कीजिए। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और अगर आपको यह बटाटा वड़ा की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।